Today I am going to display how to connect your user interface to the database. Okay, how to connect the user interface to the database. Now I have open SQL Server. Okay, SQL Server Management Studio, then new query. When you choose the new query, after giving ID and password, it is asking for giving a new query. Then here I am creating a database. Create database suppose I create here employee info. I'm creating a database, create database, employee info. I select it, then run. So now database is created. Now for using a database, use employee info. Now it is used here. Okay, it is used here, employee info. Now I am creating a table. Create table employee ID varchar, suppose 10. Employee name varchar 30. Address varchar, suppose 40. Okay, so my table is created. Okay. So after creating a table, then now I want to connect my application with the database. For connecting application with the database, we are going to create a DSN. DSN stands for data source name. Okay, so DSN kaise banaya jayega? Dekho kaise banaya jata hai. First, you open control panel. Okay, अच्छे तरह से देखो control panel. Then यहाँ पर आपको administrative tools दिखाना चाहिए. अगर आपको administrative tools नहीं दिखा रहा है तो category में जाइए, लार्ज आइकन में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स. ओके, तो क्लिक ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स. सो आफ्टर इट इज ओपन, देन गो टू द ओडीबीसी डेटा सोर्सेस. ओडीबीसी डेटा सोर्सेस, देन इन ओडीबीसी डेटा सोर्स data source, first you have to choose add option. Okay, I have choose here add option. Okay, then
सिलेक्ट द डेटाबेस दैट यू वांट टू कनेक्ट। ओके, तो मेरा जो जो डेटाबेस है वो डेटाबेस का लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा, तो कौन सा डेटाबेस मैं चूज करूँगा। तो मेरा SQL सर्वर है, तो मैं यहाँ पर चूज किया SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट 11.0, दिस पार्ट आई हैव चूज, देन आई गो फॉर फिनिश। देन हियर इट इज आस्किंग फॉर यू द DSN नेम। तो यू कैन गिव एनी नेम, तो आई एम गिविंग ए DSN। तो इन द नेम फील्ड यू कैन पास एनी नेम। देन इन सर्वर, यहाँ पर आपको SQL सर्वर का नाम पास करना है। तो आपका SQL सर्वर का नाम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो आप पहले यहाँ पर देखो, जो अगर आपको पता नहीं चलता है तो यहाँ पर डिसकनेक्ट कर दो SQL सर्वर को, फिर कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पर आपका सर्वर का नाम आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो सिस्टम का नाम है वही आपका सर्वर का नाम होता है। ओके, नाउ आई गिव योर ऑप्शन। सर्वर का नाम वही तो यहाँ से मिला, यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया, कनेक्ट जब कर रहा हूँ यहाँ पर मेरा सर्वर का नाम आता है, ये वाला। समझ में? नेक्स्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, विथ इंटीग्रेटेड विंडोज ऑथेंटिकेशन, देन विथ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। सो आई हैव चूज द SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। उसका आईडी हो गया क्या, SA इज आईडी। पासवर्ड हो गया p@ssw0rd, ये हो गया आपका पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड होने के बाद फिर मैं गया नेक्स्ट, देन चेंज डिफॉल्ट डेटाबेस टू। ओके, नेक्स्ट करने के बाद मुझे डेटाबेस चेंज करना है, चेंज डिफॉल्ट डेटाबेस टू। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया कौन सा डेटाबेस को मुझे चूज करना है, मैं एम्प्लॉई इन्फो एक डेटाबेस बनाया, तो इसको चूज किया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ किया, देन फिनिश यूज़ किया। तो ये आपको मांगेगा टेस्ट डाटा सोर्स, मैं यहाँ पर टेस्ट किया, तो टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेरा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, देन ओके, सो माई DSN इज क्रिएटेड। Now, how to check whether your DSN is properly working or not? What is the proof of DSN? Data source name. It contains the address of your server, then ID or password of the server. Okay. The next I move. The program. So this is a program.
और कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, यूजर इंटरफेस को डेटाबेस को साथ कनेक्टेड करने के लिए ये प्रोग्राम यूज़ किया जाता है. नाउ यू चेक हियर, क्लास डॉट फॉर नेम. देखो पहले आपको SQL के साथ काम करने के लिए पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार, ये हो गया आपका पैकेज. उसके बाद पब्लिक क्लास SQL कॉन, ये हमारा क्लास हो गया. देन क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पर मेरा ड्राइवर का नाम हो गया सन डॉट JDBC डॉट JDBC ODBC ड्राइवर, ये मेरा ड्राइवर का नाम है. फिर यहाँ पर कनेक्शन पास किया, कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन. ओके, तो जो आपका क्या है ड्राइवर को लोड करने के लिए यहाँ पर कनेक्शन क्लास यूज किया गया, कनेक्शन कौन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कॉलोन ODBC कॉलोन DSN, JDBC कॉलोन ODBC कॉलोन DSN, ID is SA, password is P@SSW0RD. ओके, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट, अगर आपका DSN का नाम करेक्ट होता है, ID का नाम करेक्ट होता है, तो आपको दिखाएगा कनेक्टेड. दैट इज द वे टू, इट इज ए प्रोग्राम विच इज यूज टू कनेक्टिंग योर डेटाबेस, आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए ये प्रोग्राम यूज किया जाता है. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. सन डॉट JDBC ODBC JDBC ODBC ड्राइवर, ये ड्राइवर का नाम होता है. ओके, मतलब जो आपका है ना टाइप वन ड्राइवर, ये टाइप वन ड्राइवर का नाम है. इस ड्राइवर को यूज करके हम डाटा यूजर इंटरफेस को डेटाबेस के साथ कनेक्टेड करेंगे. सब में वही सेम नाम है, सब में नहीं, सिर्फ ODBC डेटाबेस के लिए, ओपन सोर्स डेटाबेस के लिए. अगर आप डर्बी डेटाबेस यूज करोगे, डर्बी के लिए अलग रहेगा. समझ में आया? फॉर नेम मेथड इज यूज टू लोडिंग ए ड्राइवर, ड्राइवर का नाम रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर नेम मेथड यूज किया जाता है. ओके, कनेक्शन इज ए क्लास, CON इज ए ऑब्जेक्ट. टू रिप्रेजेंट ए ड्राइवर, ड्राइवर मैनेजर क्लास इज यूज. ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC कॉलोन ODBC कॉलोन जो आप DSN बनाए थे, जो भी नाम दोगे यहाँ पर वही नाम होगा. ये DSN किसका नाम रखेगा? आपका सर्वर का नाम रखेगा. ओके, और कौन सा डेटाबेस के साथ आप कनेक्टेड कर रहे हो, तो DSN उसका इन्फॉर्मेशन रखेगा. उसके बाद हो गया आपका ID और पासवर्ड, ID और पासवर्ड, तो विच यू आर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस. ओके, हाँ, दैट ऑलरेडी आई हैव डिफाइंड. आपका जो स्ट्रिंग ARGS इज आ रहे, आप कुछ भी नाम दे सकते हो ARGS की जगह पर. ये यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए मैं थोड़ा नेटबिन ओपन करके आपको रन कराता हूँ. जस्ट ए मिनट, हम नेटबिन में इसको रन कराएंगे. Then SQL con. Okay, so you have to create a Java class file.
तो नाउ हियर आई रन द फाइल्स तो दिस वन इज माई प्रोग्राम इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार देन क्लास डॉट फॉर नेम कनेक्शन कॉन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC colon ODBC DSN ID and password. Okay, so if any kind of error is present, so it is chosen error exception. Okay. तो कनेक्शन कॉन ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन JDBC कॉलोन ODBC कॉलोन DSN SA देन PR@SSW0RD नाउ आई रन द फाइल एंड व्हाट इट विल डिस्प्ले Then run file.